अब परवेज इलाही साहब का भी एक बयान है आज का, उन्होंने कहा कि अगर ये पहले अंदर चले जाते तो हमारा काम ठीक हो जाता है। ये सारे फवाद चौधरी पर मलबा डाल रहे हैं कि ये जो असेंबलियां टूटी उसमें फवाद की बहुत एक स्ट्रांग पोजीशन ली उन्होंने कि असेंबलियां तोड़ देनी चाहिए। मैं आपको आज एक बात बताऊं, अगर जब ये चीफ मिनिस्टर थे ना, इनका दौर कितने का, 2002 से 2007 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, करेक्ट मी इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ही वाज द चीफ मिनिस्टर पंजाब, अगर उस वक्त इनको भी अरेस्ट कर लिया जाता ना तो आज पंजाब का ये हाल ना होता। तो ग्रेस करें इस बयान को, बिकॉज ही इज अ मर्जिंग पार्टी इन पीटीआई और हमने उनको एक्सेप्ट किया है चेयरमैन साहब ने, और मैं इस बयान की मजम्मत करती हूँ जिस तरीके से उन्होंने इस मौके के ऊपर मेरे और मेरी फैमिली के सेंटिमेंट्स हर्ट किए हैं। मेरे दो बच्चे हैं और आप एक्सपेक्ट करते हैं कि इस तरह का बयान एक आप सीनियर लीडर से आप एक्सपेक्ट करें? यू वर हर्टिंग द फैमिली।